अभी हम रो गीत सुन ध्यान गौर। तो आजकल सब रिमिक्स बना के कैंसर फैला रहे हैं, तो मेरा जो गाना है वो कीमोथेरेपी है, तो मेरे गाने सुनो और अपने आप को तुम लाइक यू टेक द थेरेपी फ्रॉम द सॉन्ग दैट इज स्प्रेडिंग कैंसर। बनावटी जहां मैं असलियों से नजदीकी करूं जो मैं आज वो ख्वाब खुद का जीनी था कोई सीनी अब जबत करूं आज मैं ख्वाब पूरी मैं खुद का जीनी मैं अपने ख्वाब खुद पूरी करता हूं। दैट लाइन हिट्स मी ब्रो। कभी मेरा दिल करे चिल कभी कहे सपनों से मिल कभी मैं स्ट्रॉन्गर कभी मैं वीक कभी सोचूं कैसे करूं सब कुछ ठीक बट आई डोंट गिव अप आई एम अ फकिंग फ्रीक मेरे शब्द भी ठीक सोच भयानक है लिख दूं कलम से तो आती कयामत है छोटे शहर का ये लड़का इंजीनियर और जॉब है करता 8 से 5 की नौकरी हाँ सैलरी तेरी है कितनी क्या। हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू चैनल जिसका नाम है रैप बॉट्स रिकॉर्ड्स एंड को मेरा नाम वरुण कुमार है मैं एक रैपर और म्यूजिक प्रोड्यूसर हूं। आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन दबा लो कि मैं इस तरह के कंटेंट अपने चैनल पे रेगुलर डालता रहता हूं। अभी मैंने कुछ दिन पहले 7 दिन का म्यूजिक प्रोडक्शन का कोर्स इंट्रोड्यूस किया है। तुम लोगों को म्यूजिक प्रोडक्शन सीखना है मिक्सिंग मास्टरिंग सीखना है डिस्क्रिप्शन चेक करो इंस्टाग्राम पे डीएम करो या तुम अपने गाने मिक्स करवाने हैं अपने गाने के लिए बीट बनवाना है अफोर्डेबल प्राइस पे सेम डिस्क्रिप्शन चेक करो इंस्टाग्राम पे डीएम करो। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो भाई तो क्या कर रहे हो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो कि बाद छोटे वीडियोस डालता रहता हूँ अपडेट्स डालता रहता हूँ स्टोरीज डालता रहता हूँ। अगर तुम्हें फेवरेट आर्टिस्ट के गाने पे रिकमेंड करना है मतलब मेरे को फेवरेट आर्टिस्ट के गाने रिकमेंड करने हैं सीधा इंस्टाग्राम पे डीएम करना मैं सारे डीएम चेक करता हूँ पोस्ट करता हूँ सारे डीएम को रिप्लाई भी करूँ। थैंक्स अ लॉट कमिंग बैक टू टुडेज़ वीडियो। वापस से आज फिर हम हिप-हॉप और इंडिया के कोलैबोरेशन सॉन्ग पर रिएक्ट करने वाले हैं। तो बालेन टू फिस्टेड टू FISTD व्योमा डकैट। सो डकैट इज फ्रॉम टीम इवोल्यूशन इंडिया जो उत्तराखंड का एक बहुत अच्छा क्रू है हिप हॉप क्रू और मैं उनके बहुत सारे गाने सुनता हूँ। सो इनका कोलैब आया आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस। कल मैंने देखा था तो 15,000 व्यूज थे अभी 31,000 व्यूज हो गए हैं। सो पीपल आर वॉचिंग इट पीपल आर लिसनिंग इट और तुम लोगों ने मुझे बोला भाई जाके चेक करो बहुत सारे कमेंट करे। सो फाइनली आई एम लिसनिंग दिस सॉन्ग यार बकवास नहीं करते स्ट्रेट जंपिंग टू दिस इंडिया एक्स नेपाल मैं कोलैबोरेशन जब होता है ना इंडिया और नेपाल का बहुत एक्साइटेड होता हूँ भाई मजा आने वाला है। लेट्स हियर दिस सॉन्ग लेट्स गो। So this is Balin starting. तो मुझे लगता है इस order में ही होगा Balin फिर Two Fist TD Vioma the Cat. Okay चलो वापस। एकलो थियो ज्ञान कोई थे न साथमा कविताको ज्ञान 500 रुपियाँ हातमा हेडफोन माइक अनि नै फाप्थ्यो काँधमा फ्यान नपाउँदा तडपिन्थ्यो आत्मा भड्किन्थ्यो साथी भाइ टोल भरि काटमा म्युजिकलाई बाल सबै फुच्चेहरू ग्याङ्स्टर रिमिक्सको जमानामा फैलिएको क्यान्सर किमोथेरापी हाम्रो गीत सुन ध्यान गर। तो आजकल सब रिमिक्स बना के कैंसर फैला रहे हैं तो मेरा जो गाना है वो कीमोथेरेपी है तो मेरे गाने सुनो और अपने आप को तुम लाइक यू टेक द थेरेपी फ्रॉम द सॉन्ग दैट इज स्प्रेडिंग कैंसर। बहुत सही ब्रो रेफरेंसेस भाई फैलिएको क्यान्सर किमोथेरापी हाम्रो गीत सुन ध्यान गर वरिपरि गनाउने गीत सुन्दा ऱ्याप भो खोक्रो त्यो एटिट्युडलाई आजदेखि फ्याँक ब्रो भावनाले भरिएको वेदना नै ऱ्याप हो कलम र कविता नै हिपहपको ब्याकबोन उद्धवको देशबाट आएको बुद्ध महात्मा सोचाइ छ ठुलो गर्न आएको होइन नाच गान लेखाइयो खानदान सोचाइ छ शानदार सुनाउँछु गीत काठमाडौँदेखि लन्डन। I don't know how to pronounce his name, so I'm wrong, so please forgive me. Let's go. He sounds very different, new school. Forever hustling, Wu-Tang Clan, Balin said this the balls is a feeling man. This unites us, so we drop the cipher. I didn't see you popping, Willie, you are still in diaper. Exactly. Hey, they know how we do it. Nice long waking up in the studio. Yeah, I'm tuning, you ain't got a bullet. But you talking about shooters in the real world. Real life, no movie, ayy. Sacrifices that I made. You can put a price, yeah, we're not the same. I was out up in the shades, I'm too gone. I don't hit the clubs, call me James Bond. Get your butt. Bye, wapas. I'm too gone. I don't hit the clubs, call me James Bond. Get your body kissed up, damn. I don't want big name, big fame. I just got a text message that you made my day. It feels good. I do it for the ones. I don't have big name, big fame. I just get the messages that this makes my day good, and that is enough for me. लाइक एक आर्टिस्ट के लिए वो बहुत होता है कि तुमने मेरा दिन बना दिया वो एक छोटा सा जो मैसेज होता है ना तुम्हारे फैंस की तरफ से तुम्हारे फैन की तरफ से तुम्हारे चाहने वाले लोगों की तरफ से दैट इज एनफ फॉर द आर्टिस्ट जो आर्टिस्ट है वो करेक्ट कर पा रहे होंगे इससे
बहुत सही ब्रो लिरिक्स got a text message that you made my day it feels good I do it for the ones who stay true 747 all they wanna is play you sick truth no validation ambitions as a writer yeah rap my generation with every rhyme that I write yeah I'm getting better do not switch up on your homies never have I ever fall off in a roll with this thing at the coast with the music I got stitches at three Luther King I've been moving for the beats pedigree they can never be mean just be ready for the thrill do you got some हाई फाइ लाइफस्टाइल छैन टाइसाइ बाल छैन टकिङ इङ्ग्लिस नेपालीमै सबै दिने म ऱ्यापको गोपाल दुःख के हो बुझ्न आइज मेरो विगतको दाल त तँलाई सत्य तितो लाग्छ भने हिप हप बिगार तेरो लागि मेरो साथी तेरो माथि कला हाबी तेरो दाजी बुद्ध शुद्ध तेरो हाथी तेरा दाती तेरा भाई क्या फ्लो है भाई क्या फ्लो स्विचेस कर रहा है योद्धा योद्धा बोल रहा हूँ मैं अरे मैंने कल योद्धा गाने पर रिएक्ट किया था तो उन्होंने चेक नहीं किया जाकर चेक कर इसलिए मेरे मुंह से योद्धा निकल रहा है योमा इज वेरी गुड विद फ्लो मैंने योमा और पैराडॉक्स का गाना जो रिएक्ट किया था उसमें क्या फ्लो करा था भाई योमा ने भाई बहुत सही ब्रो एंड ही इज वेरी गुड विद फ्लोज लिरिक्स मुझे उतने समझ नहीं आ रहे क्योंकि नेपाली है पर फिर भी मुझे कुछ कुछ रेफरेंसेस समझ आ रहे हैं एंड लिरिक्स आर ऑल्सो वेरी गुड दुख के हो बुझना आइज मेरो विगतको दाल त तँलाई सत्य तितो लाग्छ भने हिप हप बिगार तेरो लागि मेरो साथी तेरो माथि कला हाबी तेरो दाजी बुद्ध शुद्ध कविको छवि ममा तपाईँको कुरा कोर्ने कलियुगको कवि हुँ म जेबीएलको बुम बुममा जब यो कलम रुन्छ सोसाइटीको गुणगान मिसे JBL बुम बुम जब भी मेरी कलम रुचे मतलब जब भी मेरी कलम चलते JBL बुम बुम करते ये था क्या यहाँ पे अभी मैंने एक मास्टरिंग नोट किया बहुत सही पैन करा गया वॉइस को जैसे लास्ट वर्ड आता है ना वो पूरा जो वोकल है वो राइट की ओर शिफ्ट हो जाता है सो दैट मास्टरिंग इज वेरी गुड लाइक मिक्सिंग इज वेरी गुड मेरो कलम जे कोर्छ सबै व्यवहारमा डर्छ होइन बिगड्याक त मलाई विश्वास छ आफ्नो सिपमा त केटो ट्रिपमा छ तर ऱ्यापको नै झ्याप दामी भेटर दिन गाजा पानी ऱ्यापको म लामी जाने डल्ला फाली विकेट झाडी बनाइदिउला पानी खाने ग्राउन्ड ग्राउन्ड झाडी जाने The Cat is here, so The Cat, अगर तुम लोग को नहीं पता है तो The Cat का बीफ भी अभी कुछ दिन पहले हुआ था लाइक टीम इवोल्यूशन का कोड के साथ MC कोड जो लाइक अभी लापता हो गए थे दैट MC कोड द रैपर हु हैड कॉन्ट्रोवर्सी जो जिन्होंने गीता के बारे में कुछ बोल दिया था तो उनके साथ इनका बीफ भी अभी चल रहा था कुछ दिन पहले एंड मेरे को टीम इवोल्यूशन क्रू इसलिए पसंद आता है ना बिकॉज दे आर प्रॉपर हिप हॉप क्रू इनके क्रू में दे हैव बाइक राइडर्स दे हैव रैपर्स दे हैव ग्राफिटी आर्टिस्ट मतलब दिस इज दे हैव क्रिएटेड ए प्रॉपर हिप हॉप सीन इन उत्तराखंड मतलब अगर तुम चेक करोगे इनके गाने ना नहीं चेक करा जाके YouTube में सर्च करो टीम इवोल्यूशन इंडिया एंड चेक देयर ट्रैक्स ब्रो दे आर क्रेजी मैंने इसके गाने बहुत सारे मैंने सड़क छाप रिपीट पे बजाए हैं मैंने टीम इवोल्यूशन जो गाना है 07 से क्या बोलते हैं यूके सात से मैंने 2-3 साल पहले रिपीट पे बजाया ब्रो तो मैं सुनता था इनके गाने बहुत ज्यादा सो दे आर वेरी गुड झाड़ी जाने क्या है तेरी कीमत बिना कोई सीमा मैं जीऊं मेरा जीवन गनीमत यार अनगिनत प्यार भर संगीत पर लॉन्ग में दिली सब बड़ी आधी उम्र है फाप कर कर चुना राखिया त्याग तो अदा सब कर देसी मुंडे संगुंडे बंदी है हाथ फट फट चार बी साथी मेरे सारे तत्पर 420 साथी सो 420 अगर तुम वीड पीते हो या फिर वीड से अगर रिलेटेड नॉलेज है तुम्हारे पास तो पता होगा तो 420 साथी तो 420 इज माई साथी और क्या बोला सब कस देसी मुंडे संगुंडे बंदी है हाथ फट फट 420 साथी मेरे सारे तत्पर ये सिर्फ मेरा गीत नहीं खाली संगीत नहीं हर एक पल है ये मेरा लिखू सांसे बीतती जो किया भाई लिरिक्स चेक करो यार लिरिक्स चेक करो बहुत प्योर लिरिक्स है और हिंदी जिस तरीके से यूज हो रहा है ना प्रॉपर हिंदी वर्ड्स जहां पे यूज कर रहे हैं ये मेरा लिखू सांसे बीती जो किया नहीं वो बातें की नहीं एक सन की एकदम ची चला बने द विंची सही गलत कुछ चीज नहीं कला मेरी वफा पटरियों पे मैं सीखी बनावटी जहां मैं असलियों से नजदीकी करूं जो मैं आज वो ख्वाब खुद का जीनी तक उसी नहीं अब जबत
करूं आज मैं ख्वाब पूरी, मैं खुद का जीनी, मैं अपने ख्वाब खुद पूरी करता हूं। दैट लाइन हिट्स मी ब्रो, दैट लाइन बहुत सही। हां मैं असलियों से नजदीकी करूं जो मैं आज वो ख्वाब खुद का जीनी, तक सीनी अब जबत सारा सीनी, इबादत की राह हूं पेलूसा से मेरा हक की कर्म जैसे भक्ति और करूं मैं हिफाजत भी, शर्ट खुद ही से लगी तभी ये रातें मिली, पॉप इन अ विली पॉप इन द सिटी में छाप के दू सीढ़ी, क्या लिखा किताब में रखूं ना हिसाब कर, यारों पे मैं मरूं ना जीता किसी किताब पर, जो जीता मेरा सच उसी में बिता कर, जीता दृष्टिकोण जो मैं बोले उसे हिप हॉप सब। ब्रो लिरिक्स लिरिक्स ब्रो, लव्ड इट, दिस इज अ कोलैबोरेशन, दिस इज अ कोलैबोरेशन ब्रो। हमें और चाहिए ऐसे कोलैबोरेशन, वी नीड मोर इंडिया एंड नेपाल कोलैबोरेशन ब्रो। लाइक इतने सारे टैलेंटेड रैपर हैं इंडिया और नेपाल में ना, वी कैन क्रॉस द कल्चर, वी कैन स्प्रेड पीस अमंग इंडिया एंड नेपाल बाय डूइंग कोलैबोरेशन इन हिप हॉप, लाइक देसी हिप हॉप और हिप हॉप के कोलैबोरेशन और आएंगे ना। ऐसे जब व्योमा और पैराडॉक्स से कोलैब आए थे, मैंने बोला था कि और कोलैब चाहिए, फिर EPR और क्या बोलते हैं यूनिक पोइट का कोलैब आया, एंड नाउ दिस कोलैब ब्रो, लाइक आई एम लविंग इट, मुझे पसंद आ रहा है। तुम लोग में से किसको और कोलैब्स चाहिए इंडिया और नेपाल के बीच में, कमेंट करके बताना। लाइक आई एम वेरी एक्साइटेड, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता हूँ, और जब भी ऐसे कोलैब्स आते हैं ना, मेरे को लगता है कि आई एम द ओनली रिएक्शन चैनल जो दिल से रिएक्ट करता है इस पर। बाकी पता नहीं, बहुत सारे रिएक्शन चैनल होंगे वो रिएक्ट करेंगे, पर आई एम नॉट, मैं तो क्लेम नहीं कर सकता, पर मैं हूं ऐसा जो मैं दिल से रिएक्ट करता हूं। मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है देख के कि दो कंट्रीज आर लाइक कमिंग टुगेदर बिकॉज ऑफ द हिप हॉप, एंड लाइक हम तो ऐसे लाइक वी आर ब्रदर्स इंडिया और नेपाल, हमें हमारी रिलेशनशिप बहुत अच्छी है, और लाइक टच वुड फ्यूचर में भी बहुत अच्छी रहे, ठीक है, पर और हम इसे और स्ट्रॉन्ग करते हैं हिप हॉप के थ्रू, विच इज़ वेरी गुड। बालिन का एल्बम भी आने वाला है रंगीन, सो दिस इज इट, दिस वाज द ट्रैक। अगर हम बात करें ट्रैक की तो भाई मुझे तो बहुत मजा आया सुनने में, दिस वाज लाइक ऐसा ट्रैक था जिसमें दो वर्स नेपाली में थे, तो उतने अच्छे समझ नहीं आए, पर फिर भी आई कैन फील दोज वर्सेस, और दो एक वर्स इंग्लिश में था और एक वर्स हिंदी में था। ओवरऑल मुझे लगा नहीं कि किसी ने एक दूसरे को लाइक होता है ना एक ट्रैक पे कि एक रैपर वाज आउटस्टैंडिंग और बाकी कोई रैपर था उसने बहुत उतना अच्छा वर्स नहीं करा, आई थिंक टोटल बैलेंस वर्स था बाकी सारे आर्टिस्ट का, चारों आर्टिस्ट का, और सुनने में बहुत मजा आया। बीट किसने प्रोड्यूस किया, एक मिनट, नाम नहीं लिखा है, सो बीट वॉज ऑल्सो वेरी गुड, मिक्स मास्टर वॉज वेरी गुड, पैनिंग करा गया था बीच बीच में वोकल्स को, और मिक्स मास्टर भी बहुत सही था, सो शाउट आउट टू ऑल द पीपल हु वेर इन्वॉल्वड इन दिस प्रोजेक्ट, बहुत सही काम, मजा आ गया सुन के। I hope more collab come in future between India and Nepal, or like बस यही hope करता हूँ, और मजा आया, like this was a good track. So this is it from my side. Thanks for watching the video channel, पे नए हो मेरे channel को subscribe कर लेना, and thanks a lot, thanks again. कैसा नशा तेरी जादू में मैं लापता, कोकेन जैफी चढ़ती लत लगी है क्या पता, साथ बिताए पल लबों पे जैफी पफ कीजिए, कोसों में दूर फिर भी माइंड मेरा तेरे पीछे।